हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आपका जो आरआरबी एनटीपीसी है, इसमें जो आपका देखिए लेवल 5 के लगभग ज़्यादातर जितने भी जून है आपका उसमें रिजल्ट आ गया है, और टॉपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट के तो लगभग आपके 5 से कह सकते हैं 4 जून आपके बचे हुए हैं, जिनका अभी रिज़ल्ट आने में अभी आपका टाइम लग रहा है। तो वो भी रिज़ल्ट आज या कल में आपके लगभग जितने भी आपके 4 या 5 जून बचे हैं तो उनका रिज़ल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें आज देखिए हम बात करेंगे आपके लेवल 3 की, क्योंकि देखिए आपका लेवल 6 कम्प्लीट हो गया है, उसके बाद देखिए लेवल 5 है वो भी आपका लगभग कम्प्लीट होने वाला है, फिर उसके बाद आपका लेवल 5 में DV स्टार्ट हो जाएगी, और फिर मेडिकल, फिर आपका फाइनली इसमें जो कॉल लेटर है वो आ जाएगा। तो लगभग अब जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका लेवल 3 में। तो लेवल 3 की बात करें तो देखिए आपकी नॉन टाइपिंग इसमें पोस्ट है, और लगभग आपकी लेवल 3 में ये एक ऐसी अकेली पोस्ट है जिसमें देखिए आपका ओनली नॉन टाइपिंग है, इसमें आपका ना कोई आपका टाइपिंग हुआ, ना इसमें आपका कोई फिजिकल होगा, या कह सकते हैं आपका इसमें कोई साइको का टेस्ट नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपका इसमें देखिए टेस्ट देना था, उसके बाद क्वालिफाई करके आपको इसमें फाइनली जो आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। तो ये देखिए आपकी एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है और लेवल 3 की है, और उसके सबसे बड़ी बात देखिए आपका ये जो है ये आपकी कह सकते हैं इंटरमीडिएट की पोस्ट है। तो देखिए पहले अगर हम बात करें इसमें पोस्ट की, तो आपका देखिए ये है कमर्शियल कम टिकट कलर। तो इसमें देखिए ये आपकी NTPC आपकी 10+2 की इसमें आपकी जो वैकेंसी है वो है, और वैकेंसी देखिए आपकी है लगभग टोटल जितनी आपकी पोस्ट हैं वो आपकी हैं 4,940। फिर देखिए इसमें अगर हम पे लेवल की बात करें तो देखिए आपका जो पे लेवल है वो है आपका 21,700, और मेडिकल देखिए आपका होगा B2। तो इसमें देखिए ये लगभग आपकी नॉन टाइपिंग पोस्ट है, और देखिए सी में अगर हम बात करें लेवल 2 की, तो देखिए इंटरमीडिएट में आपकी ये है ट्रेन कलर, ये इसमें आपकी टोटल पोस्ट हैं जो वो हैं 592, और ये देखिए आपकी जूनियर टाइम कीपर है, ये भी आपकी लेवल 2 की है, 17 यहाँ पे वैकेंसी, ये भी आपकी इंटरमीडिएट की है, और देखिए अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, और उसके बाद ये जूनियर कलर कम टाइपिस्ट। तो ये जितनी भी आपकी पोस्ट हैं और जितनी भी आपकी इसमें वैकेंसी हैं ये आपकी सभी जो है वो आपकी इंटरमीडिएट की हैं। देखिए आज हम बात करेंगे आपका जो लेवल 3 है इसमें सबसे पहले आपका देखिए जोन जो हमने आज लिया है वो लिया है हमने सिकंदराबाद जोन। तो देखिए अगर हम बात करें इसमें आपकी वैकेंसी की, तो कमर्शियल कम टिकट कलर का आपका लेवल 3 है, और इसमें देखिए आपकी ECOR जो है इसमें आपकी देखिए जनरल की वैकेंसी है आपकी 17, और SC की में आपकी वैकेंसी है 6, उसके बाद देखिए ST में आपकी वैकेंसी है 3, फिर देखिए OBC की बात करें तो आपकी 9 वैकेंसी, EWS में आपकी 4 है, और टोटल देखिए आपकी है 39। फिर देखिए अगर हम बात करें आपके SCR जो है इसमें देखिए जनरल में आपकी वैकेंसी है 243, SC में 90 वैकेंसी है, ST में 44 है, और OBC में आपकी 154 वैकेंसी है, OEWS में आपकी 60 वैकेंसी है, टोटल देखिए तो लगभग आपकी इसमें 591 टोटल वैकेंसी हैं। फिर देखिए अगर हम आपकी ECOR उसको जोड़ के, उसके बाद देखिए SCR आपका जोड़ के लगभग आपके जो जनरल में देखिए वैकेंसी हो गई हैं 260, और OBC की देखिए आपकी वैकेंसी है 163, EWS को देखें तो लगभग आपके 64 वैकेंसी, SC में आपकी 94 है, और ST में आपकी 47 वैकेंसी है, टोटल देखें तो लगभग आपकी टोटल जो वैकेंसी है वो यहाँ पर लेवल 3 में आपका सिकंदराबाद जोन में 630 यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं। फिर देखिए आपको इसमें मेन बात बताई तो इसका जो कट ऑफ है वो आखिर कम इसमें क्यों जाएगा। देखिए पहला जो आपका है कि एक तो आपकी इसमें देखिए इंटरमीडिएट की पोस्ट है, यानी कि 10+2 की यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो आपकी 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट की ये पोस्ट है, और देखिए आपका जो लेवल 5 का रिजल्ट है वो यहाँ पर आ चुका है, उसके बाद देखिए लेवल 6 जो है लगभग आपका जो लेवल 6 की वैकेंसी थी पोस्ट थी ये लगभग आपकी देखिए पूरी कंप्लीट हो गई, और इसमें ज़्यादातर जो कैंडिडेट है उनका कॉल लेटर भी आ गया है और उनको जल्दी ही यहाँ पर जॉइनिंग भी मिल जाएगी। तो उसमें देखिए आपके जो लेवल 6 वाले थे वो यहाँ से एलिमिनेट हो गए, उसके बाद देखिए फिर जो आपके लेवल 5 वाले कैंडिडेट थे जो लेवल 6 में जिनका नहीं हुआ या किसी वजह से वो वहाँ रुक गए, तो उनका यहाँ लेवल 5 में आके उन्होंने फाइट किया और लगभग यहाँ पर उनको सेलेक्शन मिल गया। फिर आपके देखिए लेवल 5 आते, लेवल 5 वाले जितने कैंडिडेट हैं वो लेवल 3 में यहाँ पर आके आपसे फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका देखिए पहला तो हो गया, उनका लेवल 5 में सेलेक्शन हो गया। अब कैंडिडेट का यहाँ पर कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना बनना हो, लेकिन अगर वो लेवल 5 में सेलेक्ट हो गया तो वो लेवल 3 में आके आपसे फाइट नहीं करेगा। लगभग कह सकते हैं हम यहाँ पर कि आपका देखिए जो लेवल 3 है वो ओनली आपका देखिए जो फाइट करेंगे वो ओनली आपके जो आपके 12 के कैंडिडेट हैं, यानी कि जिन्होंने आपका जो 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट से जिन्होंने यहाँ पर अपना
एग्ज़ाम दिया है वही कैंडिडेट यहाँ पर आपसे फाइट करने वाले। अगर उसके बाद भी उनका लेवल 5 में किसी और वजह से, या कह सकते हैं मेडिकल में, आपका डॉक्यूमेंट में, या किसी और वजह से उनका वहाँ पे नहीं होता, तो उनको लेवल 3 में उनको फिर पोस्ट उन्हें दी जाएगी। तो लगभग यहाँ 20% कैंडिडेट, लगभग अगर हम मान के चले तब भी आपके यहाँ हम 100 मान के चलते हैं कि 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको यहाँ पर जगह दी जाएगी आपके लेवल 3 में। लेकिन वो भी देखिए ज़्यादा नहीं कैंडिडेट है, लगभग जो आपके ज़्यादातर कैंडिडेट होंगे वो होंगे सिर्फ आपके लेवल 3 के। फिर देखिए इसके बाद आता है आपका लेवल 2। लेवल 2 की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट है, अगर उन्होंने देखिए लेवल आपका 2 में अगर अपनी पोस्ट डाली है, देखिए पहला जो आपका लेवल 3 का कैंडिडेट है वो अपनी पोस्ट परफॉर्मेंस देगा, वो अपना देगा देखिए कमीशन कम टिकट कलर। उसके बाद वो आपका लेवल 2 में आपकी जो पोस्ट परफॉर्मेंस दी, यानी कि जब उसने एग्ज़ाम को वहाँ पर भरा और उसके बाद जब उनसे डिटेल मांगी गई कि उनका पोस्ट पहले कौन सी आएगी, तो लगभग जो जिनको लग रहा था यानी कि जो आपके इंटरमीडिएट के कैंडिडेट थे उन्होंने पहले यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट कलर को अपनी पोस्ट में डाला, फिर उसके बाद लेवल 2 की जो पोस्ट थी आपकी ट्रेन कलर और जो आपकी कह सकते हैं लेवल 2 में जो आपकी टैपिंग पोस्ट है उन्होंने वहाँ ये पोस्ट डाली। फिर उसके बाद देखिए अगर कैंडिडेट का आपका लेवल 3 में नहीं हुआ, यानी कि तो उनका नीचे आने के चांसेस हैं कि उनका लेवल 2 में सिलेक्शन हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है देखिए कैंडिडेट अगर यहाँ पर आपका लेवल 3 में फाइट कर रहा है तो उसने पोस्ट डाली है तो ही उसको यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि पोस्ट परफॉर्मेंस जो आपकी है वो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए देखिए ये रीज़न भी आपका हो गया। फिर देखिए पोस्ट सिलेक्ट की बात करते हैं तो देखिए अगर कैंडिडेट ने आपका लेवल 3 में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए हैं, लगभग अगर हम मान के चले तो उनके मान लीजिए हम यहाँ 90+ मानते हैं, अगर 90+ यहाँ कैंडिडेट का लेवल 3 में मार्क्स है, उसके बाद भी अगर उसने पोस्ट नहीं डाली है तो उसका सिलेक्शन तो यहाँ होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर उसने पोस्ट अपनी टाइपिंग में डाली तो उसका सिलेक्शन टाइपिंग पोस्ट में होगा, ना कि नॉन टाइपिंग पोस्ट में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए एक कैंडिडेट है, अगर उसका लेवल 6 है और लेवल 6 में उसके मार्क्स बनना है 85, फिर उसके बाद देखिए लेवल 5 आपका आता है, लेवल 5 में उसके मार्क्स बनना है 90+, फिर आपका देखिए लेवल 3 आता है उसके मार्क्स बनना है आपके 94, फिर देखिए आपका आता है लेवल 2। लेवल 2 की बात करें तो आपका उनका जो मार्क्स बनना है वो भी बनना आपका 92। तो लगभग देखिए इतने जो मार्क्स हैं आपके लेवल वाइज आ गए। अगर कैंडिडेट का यहाँ पर आपका लेवल 6 है, लेवल 6 में उनका सिलेक्शन हो गया तो वो देखिए इतने भी मार्क्स होंगे तो भी यहाँ पर वो आपका फाइट करने नहीं आएंगे, क्योंकि वो यहाँ से एलिमिनेट हो गए। फिर उसके बाद देखिए अगर उनका लेवल 6 में नहीं हुआ, आपका लेवल 5 में हुआ, तो लेवल 5 में वो चले गए। फिर उसके बाद देखिए अगर आपका मार्क्स यहाँ पर से कम है, यानी कि उनका मार्क्स 94 आपका कह सकते हैं 84 है, तो भी वो यहाँ आपसे फाइट नहीं करेंगे। उनका मार्क्स ज़्यादा बिल्कुल ही ज़्यादा क्यों ना हो, सबसे ज़्यादा क्यों ना हो, टॉपर ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी अगर उनका सिलेक्शन लेवल 5 में हो गया तो वो यहाँ पर आपसे फाइट करने नहीं आएंगे, क्योंकि वो यहाँ से बिल्कुल कह सकते हैं क्विट करेंगे। और उसके बाद आपका क्या बचेगा, ओनली लेवल 3। तो लेवल 3 के कैंडिडेट ही यहाँ आपसे फाइट करेंगे। फिर देखिए ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो आपके लेवल 3 में, उनके ही अच्छे मार्क्स ज़्यादा कैंडिडेट के बन रहे हैं, जिनका देखिए मैथ अच्छा गया था, आपका रीजनिंग अच्छा गया था, जीके अच्छा गया था। तो लगभग ज़्यादातर कैंडिडेट ने यहाँ पर जो आपके हैं उन्होंने देखिए आपका एक तो पहले इंटरमीडिएट का पोस्ट था, तो इंटरमीडिएट के बाद जो कैंडिडेट थे यानी कि जो स्टूडेंट थे वो लगभग यहाँ अपनी जो कह सकते हैं स्टडी है वो यहाँ पर अपनी स्टार्ट रखते हैं, तो लगभग उनको वो चीज़ नया नहीं था, तो उनको जो पढ़ाई के लिए और जो उन्होंने अपना कह सकते हैं अपना लेवल तैयार किया एग्ज़ाम के लिए, तो उनके हिसाब से अगर उनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ, रीजनिंग उन्होंने अच्छी अटेम्प्ट की, मैथ अच्छा गया, उनका जीके अच्छा गया, तो उनका लगभग कह सकते हैं यहाँ पे 85 या मान के चलती है हम 90+ भी उनका मार्क्स जो है यहाँ पर बन गया। तो इसलिए आपका जो लेवल 3 के कैंडिडेट है तो उनका मार्क्स जो है वो यहाँ ज़्यादा जाने के चांसेस इसीलिए नहीं है, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पर कोई भी फाइट होने वाली किसी कैंडिडेट से नहीं है, लगभग जितने आपके लेवल 3 में कैंडिडेट है वही आपसे यहाँ पर फाइट करेंगे। फिर देखिए इसमें अगर हम बात करें आपकी, देखिए जो टाइपिंग पोस्ट है वो देखिए आपकी है 213। फिर देखिए इसके बाद अगर हम मान के चलते हैं आपकी नॉन टाइपिंग, देखिए नॉन टाइपिंग आपकी है 1324। फिर देखिए अगर हम देखें टोटल, तो टोटल देखिए तो आपके हो गए लगभग 1537। तो फिर भी हम यहाँ पे देखें 1500 लेके चलते, तो 1500 कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ से निकल गए। फिर उसके बाद देखिए जो आपके 841 कैंडिडेट बचे,
ये देखिए आपका स्टेशन मास्टर, तो स्टेशन मास्टर देखिए तो लगभग आपका देखिए एससी आर्मी 810 हैं, और उसके बाद देखिए ईसीओआर में आपके 31 है, तो लगभग देखिए 841 जो कैंडिडेट है वो यहाँ से आपके माइनस हो गए आपका लेवल 6 से। तो लगभग यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके फिर देखिए आपके टोटल जो हो गए ये देखिए आपके हो गए टाइपिंग पोस्ट के, फिर देखिए आपके नॉन टाइपिंग, फिर आपका लेवल 6, तो लगभग आपका देखिए लेवल 5 के या लेवल 6 से जितने कैंडिडेट थे वो यहाँ से माइनस हो गए। और लगभग अगर हम प्लस करें तो देखिए आपका होता है 2378। तो देखिए 2378 यहाँ पर आपकी वैकेंसी थी वो कह सकते हैं कैंडिडेट थे जो वो यहाँ से माइनस हो गए। फिर आपका बचता है सिर्फ लेवल 2, तो लेवल 2 वाले जो कैंडिडेट हैं अगर उन्होंने पोस्ट यहाँ परफॉर्मेंस दी है तो ही वो यहाँ पर सिलेक्शन लेंगे, उसके बाद अगर उन्होंने नहीं दिया तो उनका यहाँ लेवल 3 में कोई भी उनको एक भी पोस्ट मिलने के चांस नहीं है। तो इसलिए कह सकते हैं कि आपका जो लेवल 3 है वो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपका कम होने के पूरे चांसेस यहाँ पर बन नहीं है। फिर अगर हम बात करें देखिए आपके रैंक आक्यू डाटा की, तो रैंक आक्यू डाटा के हिसाब से अगर हम देखें तो जनरल में आपकी जो वैकेंसी है वैकेंसी आपकी 260 है, इसके बाद भी देखिए 100 कैंडिडेट को हमने यहाँ प्लस इसलिए किया है क्योंकि देखिए जो आपके लेवल 5 में अगर कैंडिडेट का सिलेक्शन वहाँ पर अगर किसी वजह से रुकता है तो उनका नीचे के जो आपकी लेवल 3 की पोस्ट है उसमें वहाँ आपको जगह दी जाएगी, तो इसलिए 100 कैंडिडेट को हमने यहाँ पर कह सकते हैं एडजस्ट किया है। तो लगभग आपका जनरल कैटेगरी में ओवरऑल आपका देखें तो लगभग आपका 360 के बीच रैंक आपके डाटा में आपकी रैंक बननी है तो आप जनरल कैटेगरी में सेफ है। फिर देखिए ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपकी जो वैकेंसी है वो है 163, उसके बाद देखिए अगर हम 60 कैंडिडेट को भी यहाँ देखते हैं तो जो आपके जनरल में भी फाइट करेंगे तो लगभग यहाँ पर इतने कैंडिडेट है, तो अगर आपकी रैंक जो है ओबीसी कैटेगरी में 230 के लगभग या कह सकते हैं 220 भी बनना ही है तो आप ओबीसी कैटेगरी में सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस देखें तो आपकी जो रैंक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी 130 यानी कि वैकेंसी आपकी जो है वो है 64, और इसके बाद इतनी आपकी रैंक बन रही है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो आप यहां पर सेफ हैं। और एससी देखें तो एससी में जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी देखिए है 96, तो आपकी रैंक बन रही है 160, तो आप एससी कैटेगरी में सेफ है। एसटी देखिए आपकी अगर रैंक आईक्यू डाटा पे जो एससी में है वो आपका 80 से या कह सकते हैं 75 भी आपकी बन रही है तो भी आप यहाँ पर एसटी कैटेगरी से सेफ है। और वैकेंसी देखें तो आपकी लगभग 47 यहाँ पर वैकेंसी है, तो इतना आपका जो वैकेंसी है आपकी रैंक आईक्यू डाटा पे जो आपका स्कोर इतना बनना है इतनी आपकी रैंक बन रही है तो आप बिल्कुल यहाँ पर जो लेवल 3 है वो आपकी यहाँ पर एक पोस्ट आपको बिल्कुल 100% मिल जाएगी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर आपका देखिए ओबीसी में ज़्यादा आपका अच्छा स्कोर बनता है यानी कि अगर आप जनरल की जो आपकी कट ऑफ जाएगी आप वहाँ फाइट करते हैं तो आपको जनरल में एक पोस्ट आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप अपने ओबीसी में कट ऑफ को पास करते हैं तो भी आपको एक यहाँ वैकेंसी मिल जाएगी, तो लगभग आपको 2 चांस मिल जाते हैं अदर कैटेगरी वालों को यानी कि जनरल को छोड़ के। देखिए इसमें अगर हम बात करें आपकी कट ऑफ की, तो देखिए कट ऑफ तो एक्यूरेट हम इसमें नहीं बता सकते क्योंकि उतना डाटा हमें यहाँ पर नहीं मिल पाया, लेकिन उसके बाद भी हम आपको एक एवरेज बता सकते हैं कि आपका जो लेवल 3 है सिकंदराबाद जोन है तो उसमें आपका जो कट ऑफ है वो कितना जाने वाला। लेकिन देखिए इसमें जो आपका कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, तो अगर हम देखिए आपकी जनरल कैटेगरी है और आपका देखिए स्कोर जो है 85 से आपका कह सकते हैं 80 जो है 7 प्लस ही हो सकता है, इससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है, आपका इसमें देखिए प्लस भी हो सकता है और माइनस भी होने के चांसेस हैं। तो लगभग आपका जो इतना आपका कट ऑफ बनना है आपकी जनरल कैटेगरी है तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हैं। फिर देखिए ओबीसी की बात करें तो आपका जो कट ऑफ है वो 81 प्लस बनना है यानी कि 81 से आपका ज़्यादा स्कोर है यहाँ पर लेवल 3 में तो आप ओबीसी कैटेगरी में सेफ हैं। फिर देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो आपके ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं लेकिन उसके बाद भी जो आपका कट ऑफ है वो 80 प्लस या कह सकते हैं 82 से इतना भी आपका जाने के यहाँ पर चांसेस है, तो ईडब्ल्यूएस में इतना आपका कट ऑफ है तो आप बिल्कुल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेफ है। एससी की बात करें तो एससी देखिए आपका 79 प्लस या कह सकते हैं 78 प्लस भी जाने के यहाँ पर चांसेस है, और उसके बाद देखिए एसटी कैटेगरी तो लगभग आपका 76 प्लस ही यहाँ पर जाने के चांसेस बन रहे हैं एसटी कैटेगरी में। देखिए इसमें आपका प्लस माइनस होने के पूरे चांसेस है, आपका प्लस 2 भी हो सकता है या प्लस आपका 1 भी यहाँ पर ऐड हो सकता है, इससे ज़्यादा ऐड होने के चांसेस नहीं है। लेकिन कट ऑफ जो है फाइनली हम यही कहेंगे कि आपका जो कट ऑफ है लेवल 3 में वो आपका ज़्यादा जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए जो फाइट करेंगे कैंडिडेट वो सिर्फ आपके लेवल 3 के कैंडिडेट ही फाइट करेंगे।
तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए जोन की कटाप में। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपका कमेंट भी हमें ज़रूर बताइएगा कि रैंक आपको डाटा के हिसाब से आपका कितना रैंक बनना है और आपका जो स्कोर है वो कितना बनना है।